काफी लोगों का मन जो है ना बहुत सेंसिटिव रहता है, थोड़ी सी बात होगी तो उनको रोना आएगा, थोड़ी सी बात होगी तो वो इमोशनल हो जाएंगे, दुख हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर वो अपसेट हो जाएंगे, और स्पेशली उनको रोना आना या दुख होना या गुस्सा आना ऐसा ज़्यादा होता है छोटी बात के ऊपर भी। तो उसके बारे में मैं आपको आज एक केस स्टडी बताने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में, नागपुर, पुणे और मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ मनोविकार तथा व्यसनी लोगों को हम भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा। मेरे पास में अभी एक लड़की आई, अभी वो जस्ट 10th पास हो गई, उसको 11th में अभी उसने एडमिशन लिया है और उसको बनना है आर्किटेक्ट। अब उसको प्रॉब्लम यह है कि उसको कुछ भी बोल दिया किसने तो वो एकदम इमोशनल हो जाएगी कि मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा क्यों डांटा, मेरे को खाना खाने के लिए क्यों बोला, बोला नहीं तो खाने के लिए क्यों नहीं बोला, या उसको बोला पढ़ाई कर तो उसको गुस्सा आ जाएगा, या मुझे पढ़ाई कर ऐसा क्यों बोला, मैं पढ़ाई नहीं करती क्या, मतलब तो छोटी छोटी बात के ऊपर उसको गुस्सा आएगा या छोटी बात के ऊपर वो एकदम इमोशनल हो जाएंगे और रोना चालू करेंगे। तो रोना मतलब ऐसा है कि जैसा मजाक में मैं बोलता हूँ कि जैसा ऊपर टंकी भरी हुई पानी की और वो कंटिन्यूस फ्लो चालू है, इतने बार मतलब दिन में 10-15 बार तो वो रो लेंगी। फिर कोई मजाक भी करेगा, दोस्त मजाक करेंगे, फ्रेंड्स लोग मजाक करेंगे तो वहाँ भी उसको रोना आएगा, एंड फिर वो जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि फिर होता क्या है कि मुझे मतलब वो लड़की जो आई थी उसको रोना आ रहा है करके, वो फिर फ्रेंड सर्कल में ही नहीं, उसका अकेले अकेले बैठेंगी, घर में भी ज़्यादा लोग उसको मतलब कुछ बात नहीं करेंगे कि उसको रोना आता है, उससे ज़्यादा चर्चा नहीं, बात नहीं करेंगे क्योंकि कब वो डिस्टर्ब हो जाएंगे मालूम नहीं, और फिर वो अकेला अकेलापना चालू हो जाता है, अकेलापन चालू हो जाता है, अकेले में रहती है, और फिर उससे और ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। लोग क्या करते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम होता है करके उसको आइसोलेट कर डालते, नहीं नहीं उसको मत ऐसा करो, उसको मत बोलो, वो ऐसा बोलेंगे तो वो रो लेंगे, ऐसा बोलेंगे तो वो अपसेट हो जाएगी, तो ज़्यादा ज़्यादा वो बढ़ते जाता है। वो जब वो आया तब देखा कि भाई ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, इतने इमोशनल क्यों है, मतलब गुस्सा और रोना इसमें देखा तो उसको रोना ज़्यादा बार आता था दिन भर, गुस्सा नहीं आता था इतना, एक तो फिर गुस्सा आएगा बाद में फिर वो रोएंगी, ऐसा हुआ क्या, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, बचपन में ऐसा क्या हो गया कि इसकी मानसिकता ऐसी हो गई। उसको मैंने बोला भाई आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा। तो उसने आना चालू किया, बार बार चर्चा करना चालू कर दिया। जब हम खोदते गए तो कुछ मिल नहीं रहा, फिर मैंने उसको हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करके मैंने उसको बोला कि अभी तुम पीछे 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 जा रही है अपने लाइफ में, जैसा अभी वो 16 साल की थी तो अभी वो अपनी उम्र 14 साल है, फिर 12 साल है, फिर 10 साल है, 8 साल है, जैसा मैंने उसको बोला कि 8 साल है तो एकदम उसने रोना चालू कर दिया। मतलब भाई हुआ क्या। तो फिर उसने बताया कि भाई 8 साल की जब वो थी और जब स्कूल में थी वो, तो उसके जो टीचर थे उसको उसने कुछ से भी पूछा और पूछने के बाद में उस मतलब उसके इतना जोर से चिल्लाया वो और उसका इतना बड़ा इंसल्ट कर दिया कि उसको वहाँ के वहीं पेशाब हो गई क्लास में, सब लोग हंसने लगे। टीचर को ऐसा लगा कि भाई ये ऐसे भलते हो गया, बड़े बाप की बड़ी बेटी, अभी क्या होगा। टीचर भी घबरा गया, वो भी घबरा गई, बच्चे सब हंस रहे और वो बड़ा सीन क्रिएट हो गया। बाद में उसको बच्चे टीज करने लगे, जानबूझ के कुछ कमेंट पास करने लगे, और फिर उसको वो डर लगना और फिर रोना आना चालू हो गया। तो जब ऐसी हिस्ट्री मिली कि भाई नहीं, इसका जड़ कहीं तो भी है, कि बचपन में कुछ तो भी हुआ, उसका उसने इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में ऐसा लगाया कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ, मैं सामना नहीं कर सकती ऐसा कुछ, मुझे आता नहीं है, ऐसे एक अपने मन में अपने बारे में ऐसे बातचीत चालू किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अचेतन मन में ऐसी बातचीत चालू किया, और उसका वजह ऐसा हो गया, फिर कहीं भी जाती है तो उसका वो बैकग्राउंड में रहता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। और जब ऐसा दिमाग में चालू है कंटिन्यूसली, सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरा बैठा हुआ है, तो फिर बाहर वो जो दिख रहा है वो दिख रहा है। उसको मैंने बोला भाई आपको हिप्नोसिस के सेशन करने पड़ेंगे, उसको सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा है वो निकालना पड़ेगा। उसको मैंने सेशंस दिए सब मतलब इसके हिप्नोटिज्म के,
बार 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 उसको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, और वो सीन बार 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 उसको मैंने इमेजिन करने के लिए बोला। ऐसे कई सीन फिर बाद में उसको उसको बोला कि मैं इमेजिन करो कि जहां आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कमजोर हूं और उसका सामना नहीं कर सकूंगी, वो सीन वो इमेजिन कर रही है और इधर रिलैक्स बैठी हुई है, इधर हिप्नोटाइज है, सीन इमेजिन कर रही है और इधर हिप्नोटाइज है और रिलैक्स बैठी हुई है। मतलब ये मैंने उसका डीकंडीशनिंग कर दिया हिप्नोटिज्म में, और धीरे 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 अच्छी होने लगी। 2-3 महीने के बाद में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, और पेरेंट्स ने आके उसको बोला कि भाई नहीं नहीं बहुत ही अच्छी है ये, और मुझे थैंक यू बोल के वो निकल गए। तो ऐसा काफ़ी बार ऐसा होता है कि बचपन में ऐसी कुछ घटना हो जाती है, उसका असर, उसका इम्पैक्ट बड़प्पन में होता है, हमको पता लगता नहीं है, और हमको समझता नहीं कि हम आज जो है वो ऐसे क्यों हैं, मेरा जो स्वभाव है आज वो ऐसा क्यों है, पता ही लगता नहीं है, और हम सफ़र होते रहते हैं। तो आज इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आपके संपर्क में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, तो वो अच्छे हो जाएंगे, वो देख लेंगे कि उनके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से आज वो सफ़र कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।